लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी इज C6H8O6। इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिड्यूस द सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय टेकिंग आउट कॉमन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना हो तो जितने भी सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको हम कॉमन निकाल के रिड्यूस कर सकते हैं, जो फॉर्मूला बनेगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। तो इन तीनों सबस्क्रिप्ट्स में जो कॉमन नंबर है वो 2 है। अगर हम इस 2 को कॉमन निकालें, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो C3H4O3। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है C3H4O3। क्वेश्चन नंबर 14, दिस पेयर ऑफ कंपाउंड हैज द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इनके सबस्क्रिप्ट्स को रिड्यूस करना होगा। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो हमें कॉमन नंबर नजर आ रहा है वो 2 कॉमन नंबर है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, इस नंबर को भी 2 से डिवाइड कर दें, C2H4 का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा CH2। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें 2 कॉमन है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा CH। तो इन दोनों कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, CH4 में सिर्फ 1 कॉमन है, 1 से अगर हम सबस्क्रिप्ट को डिवाइड करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यही आएगा। C2H6 में 2 कॉमन है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा CH3। तो इन दो कंपाउंड्स का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, C2H6 गिवन है, इसमें 2 कॉमन है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा CH3। यहाँ पे 6 कॉमन है, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। तो इन दोनों कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। अभी जो ऑप्शन है इसमें हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इन एलिमेंट्स को कंडेंस करके लिखते हैं, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो CH2O। इसी तरह से यहाँ पे 2 कार्बन है, C2, 4 हाइड्रोजन है, C2H4 और 2 ऑक्सीजन है। तो इस फॉर्मूले में 1 कॉमन है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O ही रहेगा। इस फॉर्मूले में 2 कॉमन है तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा CH2O। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 15, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 180। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, ये 4 ऑप्शन गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और n पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है और n यहाँ पे गिवन नहीं है। n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यहाँ पे गिवन है 180, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम इस फॉर्मूले को देख के एम्पिरिकल फॉर्मूले को देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम n निकालें तो n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 गिवन है। 180 ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का अगर हम मास कैलकुलेट करें, एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है वो 30 आ रहा है, तो 180 डिवाइडेड बाय 30। n की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि CH2O मल्टीप्लाई बाय n, n निकाला है 6।
तो इन चार ऑप्शन में से C6H12O6 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, ये चार ऑप्शन गिवन है और पूछ रहा है कि बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इन दोनों सबस्क्रिप्ट में 6 कॉमन है, तो 6 को हम कॉमन निकालेंगे। 6 को कॉमन निकाल के जो हमारे पास ऑप्शन आएगा, CH is the empirical formula of benzene. The empirical formula of a compound is CH2O and its molecular mass is 60. Its molecular formula is, ये चार ऑप्शन गिवन है। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला और n हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले n कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिकुलर मास 60 गिवन है, 60 डिवाइडेड बाय CH2O एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो मास निकला 30, तो 60 डिवाइडेड बाय 30, तो n की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर लेते हैं, CH2O मल्टीप्लाई बाय n, n की वैल्यू 2 है, C2H4O2। तो इन चार ऑप्शन में से C2H4O2 ये ऑप्शन है,